गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर इंग्लिश रीडर पोएम कम माई लिटिल चिल्ड्रेन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कम माई लिटिल चिल्ड्रेन, हियर आर सॉन्ग्स फॉर यू। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए कुछ सॉन्ग्स हैं, यानी कि कुछ गाने हैं। सम आर शॉर्ट एंड सम आर लॉन्ग एंड ऑल आर न्यू। कुछ गाने छोटे हैं, कुछ गाने बड़े हैं, लेकिन सारे नए हैं। यू मस्ट लर्न टू सिंग दैम वेरी स्मॉल एंड क्लियर। आपको गाना गाना आना चाहिए, चाहे वो गाने छोटे हों या बड़े हों, आपको बहुत ही अच्छा गाना गाना आना चाहिए, बहुत ही क्लियर आना चाहिए। वेरी ट्रू टू टाइम एंड ट्यून एंड प्लीजिंग टू द ईयर। आपको एक एक धुन को पकड़ना, एक एक धुन को समझना, एक एक धुन को गाना आना चाहिए। मार्क द नोट्स दैट राइज, मार्क द नोट्स दैट फॉल। मार्क द नोट्स, इसमें मार्क द नोट्स का मतलब है धुन, बीट्स। राइज मतलब जो बीट्स ऊंचे उनके गाती हैं और जो बीट्स एकदम नीचे आती हैं, यानी कि बिल्कुल गिरती हैं। बीट्स उठना मतलब जब हम बहुत तेजी से या बहुत गले में जोर दे के गाते हैं, तो यानी कि वो बीट्स उठ रहे हैं। और जब हम धीमे धीमे और बहुत ही प्यार से एकदम धीमे धीमे गाते हैं, तो यानी कि वो बीट्स फॉल हो रही है, यानी कि वो गिर रही है। हमें और ही स्लोली और धीमे गाते हैं। तो इसमें कहा गया मार्क द नोट्स दैट राइज, मार्क द नोट्स दैट फॉल। आपको आना चाहिए कि कब हमारे गाने में बीट्स गिर रही हैं, यानी कि कब हमारे गाने में बीट्स बढ़ रही हैं, कब हमारे गाने में बीट्स गिर रही हैं। आपको एक एक बीट्स पकड़ना आना चाहिए। मार्क द टाइम व्हेन ब्रोकन एंड मार्क द स्विंग फॉर इट फॉर ऑल। आपको आना चाहिए कि हमारा गाना किस समय से शुरू हुआ है, किस समय पर खत्म हुआ है, उसकी एक एक टाइमिंग, उसकी एक एक ट्यून और बीट्स आपको सब आना चाहिए। सो व्हेन नाइट हैज कम एंड यू हैव गॉन टू बेड, जब रात होती है और आप अपने बेड पे जाते हो लेट में, ऑल द सॉन्ग्स यू टू सिंग, यू लव टू सिंग शैल इको इन योर हेड। और जब आप अपने बेड पे जाते हो सोने, तो आपको आपके माइंड में, आपके मन में वो गाने चल रहे हैं, उनकी एक एक बीट्स चल रही हैं कि हमें अब कब बीट्स पकड़नी है, कब छोड़नी है, हमें कैसे इस गाने को सीखना है, कैसे लर्न करना है। तो इस पोयम के राइटर हैं आर एफ स्टीवेंसन। उन्होंने बच्चों को गाने के प्रति, यानी कि सॉन्ग्स के प्रति, गाना गाने के प्रति इंटरेस्ट जगाने की कोशिश की है इस पोयम के माध्यम से। आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस पोयम, देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।